गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्लास थर्ड का लेसन फर्स्ट माय फैमिली का रिवीजन कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बुक वर्क और वर्ड मीनिंग भी रिवाइज कराए थे, होप सो आपने याद कर ली हूँ। आज आपके क्वेश्चन आंसर रिवाइज होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? न्यूक्लियर मतलब मैंने आपको तब भी बताया था एकल परिवार। वन और टू चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। एक और दो बच्चे और उनके साथ उनके पेरेंट्स रह रहे हो, माता पिता रह रहे हो, वही क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ज्वाइंट फैमिली। अब इसमें बताना है ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। ए ज्वाइंट फैमिली हैज अ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट, अंकल, आंटीज, कजन्स एंड सिबलिंग। एक ज्वाइंट फैमिली में कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, पेरेंट्स हमारे माता पिता, अंकल मतलब ताऊ और चाचा, आंटीज मतलब ताई और चाची, कजन्स मतलब ताऊ चाचा के बच्चे एंड सिबलिंग मतलब भाई बहन। मतलब एक ज्वाइंट फैमिली वो होती है जिसमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ रह रही हो। फिर क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाई इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली कॉल्ड अ स्पेशल फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली को स्पेशल फैमिली क्यों कहा जाता है? अ सिंगल पेरेंट फैमिली इज अ स्पेशल फैमिली वेयर चिल्ड्रन लिव विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स एंड नॉट बोथ ऑफ देम। इसमें ये कहा गया है सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है जिसमें केवल वो अपने एक ही पेरेंट्स के साथ रह रहा हो या एक किसी के साथ भी ना रह रहा हो, मतलब विदाउट पेरेंट रह रहा हो। ठीक है, वो होती है हमारी सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी कि एक या तो उसमें से माता होगी या पिता होंगी, किसी भी एक फैमिली मेंबर मतलब माता या फिर पिता दोनों में से किसी के साथ एक के साथ ही रह रहा हो। ठीक है, वो होती है हमारी सिंगल पेरेंट फैमिली। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट डज अ फैमिली ट्री शो। फैमिली ट्री शो, फैमिली क्या, फैमिली ट्री क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है? अ फैमिली ट्री है, ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली फैमिली। ठीक है, इसमें क्या है कि वो क्या दिखाती है, जो फैमिली मेंबर है मतलब लोग हैं फैमिली के अंदर उनका आपस में रिलेशन बताती है, संबंध बताती है। ठीक है, वही हमारी फैमिली ट्री होती है। जैसे हमारे पापा से, दादा से या चाचा से हमारा क्या रिश्ता है, हमारे भाई बहन हमारे क्या लगे, जैसे सिबलिंग लगे, हमारे चाचा दादा के बच्चे क्या लगे, हमारे कजन्स लगे, तो फैमिली ट्री वही दर्शाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न इन अ फैमिली। कौन सी वैल्यू हम अपनी फैमिली में लर्न करते हैं, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंस वैल्यूज सीखते हैं हम। ठीक है, सम वैल्यूज दैट वी लर्न आर, कुछ वैल्यू है जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। पहली है बीइंग पोलाइट टू एवरीवन, हमें हमेशा लोगों के साथ, हर किसी के साथ, एवरीवन हर किसी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, हर किसी के साथ नर्मता पूर्वक रहना चाहिए। रिस्पेक्ट टेंडर एल्डर एंड लविंग दे लविंग द यंगर्स यंगर वंस, मतलब हमें बड़ों की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और छोटों से हमें क्या करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। फिर है थर्ड आपका एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड एंड टू द केयरिंग अबाउट अवर फैमिली मेंबर। हमें फैमिली मेंबर, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है उनके साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमारे मेंबर के ये होता है कि एक दूसरे के प्रति हमें केयरिंग दिखानी चाहिए। ये एक फैमिली मेंबर का कर्तव्य होता है कि वो एक दूसरे की हेल्प करे और उनकी केयर करे। कभी बाय चांस आप बीमार हो जाए तो वो आपकी सेवा करे, केयर करे। ठीक है, ये हमारा लेसन फर्स्ट था क्लास थर्ड का माय फैमिली। आपके क्वेश्चन आंसर आज आपके रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, ये आपका लेसन फर्स्ट यही फिनिश हो जाता है रिविजन सेशन। थैंक यू।